किए कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हो गया किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण को लेकर मीडिया अकेडमियों से बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया है और ये कहा कि दरअसल ये कोई नया बिल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं लाया गया है, बल्कि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने 2010 में राज्यसभा तक से इस बिल को पास करवा लिया था। लेकिन सवाल ये है कि अगर राज्यसभा से पास हो गया तो इसको लागू क्यों नहीं करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को पेश तो किया है, लेकिन इसके पूरे खाके को उन्होंने अब तक नहीं बतलाया है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को। ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हो गया किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दौड़ाते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लास बाय क्लास बनाना है, डिस्कशन करना है, शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक, उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो मेरा यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक का डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। और ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है। इसीलिए मैं इसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन वुमन रिजर्वेशन हमको होना है, इसके लिए हम इंसिस्ट करेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जो भी कमियां हैं वो ठीक करना चाहिए। तो आपने सुना दर्शकों, दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी को भी इस क्रेडिट की होर मिलाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण को लेकर कई बार कदम उठाए, भले ही वो किसी कारणवश सक्सेस ना रहा हो। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।